यहाँ पे एक चौथाई कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। लगभग घर में रखे सामान से आज ऐसी डिश बनाएंगे जो भी इसको देखेगा सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा कि बनाया कैसे। तो चलिए मिलके बनाते हैं बहुत ही शानदार सी रेसिपी। सबसे पहला जो काम होगा वो होगा आटा गूंदना। तो 1.5 कप गेहूं का मैंने आटा लिया है यहाँ पे। इसको क्रंची करने के लिए हम यहाँ पे 1/4 कप सूजी का भी इस्तेमाल करेंगे। लगभग 4 बड़े चम्मच हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये बहुत ही बढ़िया अंदर से पकेगी, जो मोइन जिसको बोलते हैं ना वो वाला काम। घी डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1/4 छोटी चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा, इसमें क्रैक्स आएंगे और ये अंदर तक पकेगी, कच्ची नहीं रहेगी। 1/2 छोटी चम्मच नमक यहाँ पे डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच अजवाइन, और अजवाइन को जब भी डालें हल्का सा हाथों से क्रश कर लें, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मिक्सिंग करेंगे, पानी बाद में मिलाएंगे, पहले मोइन कर लेते हैं इसको घी के साथ में, इस तरह से रब कर लेते हैं। और ये देखें घी किस तरह से मिक्स हो रहा है, लड्डू बनना चाहिए इस तरह से। अगर ये बन गया मतलब कि परफेक्ट घी हमने डाला हुआ है। अब डालते हैं इसके अंदर पानी, नॉर्मल ठंडा पानी है। मीडियम डो लगाएंगे हम यहाँ पे, मीडियम सॉफ्ट डो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब डो की सॉफ्टनेस चेक कीजिए इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी पानी को सोखती है, तो ये थोड़ी देर बाद में हार्ड हो सकता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा नरम ही रखना है इसको। और इसको रेस्ट देंगे लगभग 20 से 25 मिनट का, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली हुई है। जब तक हमारा आटा वहाँ पर रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी बनाएंगे। और चटनी किसकी बना रहे हैं, ये देखिए बथुए की चटनी। और ये चटनी सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही बन सकती है, क्योंकि बथुआ सर्दियों में ही मिलता है। सबसे पहले बथुए को अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है ना, हद से ज़्यादा मिट्टी होती है इसके अंदर। तो 4 से 5 पानी अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद में इसको थोड़ा छोटा छोटा काट लीजिए और बाकी प्रोसेस करते हैं इसके साथ में। इसको हल्का सा ब्लांच करेंगे। पानी में उबाल आ गया है तो हम डालते हैं यहाँ पे बथुआ। बथुआ ज़्यादा देर तक ब्लांच नहीं करना, मुश्किल से 1 मिनट इसका कच्चापन निकालना है। मुश्किल से 1 मिनट हमने इसको उबाला है। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं, इसको स्टीम करके ठंडा पानी डालते हैं। बथुए की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बथुआ डालेंगे। इसको हल्का सा निचोड़ा है, ज़्यादा निचोड़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा पानी रहना चाहिए इसके अंदर, पीसने में आसानी रहती है। 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी छोटा छोटा काट लिया हमने, पीसने में आसानी रहेगी। 2 हरी मिर्च है, अगर तीखा कम पसंद है तो इसके बीज निकाल दीजिए, लेकिन डालना जरूर। और इसमें थोड़ा सा धनिया भी जाएगा, धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया जब भी डालें उसके डंठलों के साथ में डालें। यहाँ पे हमने धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है बथुए से, अगर बथुए से ज़्यादा रखेंगे तो इसका स्वाद ज़्यादा आ जाएगा। 1/2 छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम जीरा, जीरा ज़्यादा डालेंगे तो जीरे का टेस्ट ज़्यादा आएगा और कड़वापन भी आएगा। ये गया नमक, और गंधक वाला फ्लेवर के लिए काला नमक 1/2 छोटी चम्मच। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नाम का पानी और इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोशिश ना करें इसको। और ये चटनी पिस गई है, लेकिन पूरी तरह से बारीक करने की कोशिश मैंने बिल्कुल नहीं करी है, हल्की सी दरदरी रहनी चाहिए तभी इसका मजा आता है, लेकिन ये चटनी भी पूरी नहीं हुई है। 2 से 3 बड़े चम्मच गाढ़ा दही, जिसमें पानी की मात्रा कम हो वो डालना है। दही की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ये दही वाली चटनी नहीं होनी चाहिए। हल्का सा फेंटेंगे इसको, इसको मिक्सी में मत डालना, मिक्सी में डालोगे तो पानी बन जाएगा, बिल्कुल पतली हो जाएगी दही। जो चटनी हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब करते हैं इसको मिक्स यहाँ पे, और यहाँ पे तैयार होगी बथुए की चटनी। बहुत ही शानदार वाली बथुए की चटनी रेडी हुई है, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि दही गाढ़ा लेना है और कम लेना है, बहुत ज़्यादा दही नहीं लेना है, रायता नहीं बनाना है हमको। डो को रेस्ट दिए हुए लगभग 1/2 घंटा हो चुका है। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना सूजी पानी पीती है, हल्का सा ये टाइट हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे और डालेंगे, लेकिन इस तरह से पानी की छींटे, और इसकी गुथाई करेंगे अच्छी वाली नीडिंग। मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा भी नहीं डालना चाहते हैं तो हल्का सा घी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे तैयार हुआ है मीडियम सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो पेड़ों का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं मीडियम साइज़ की, उस हिसाब से हमने पेड़े तोड़े हैं इसके, और इनको गोल गोल करके इस तरह से रख देंगे हम यहाँ पे। पेड़ों को ढक के रखेंगे हम यहाँ पे, तब तक स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए 2 बड़े चम्मच हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तेल को हमने सबसे पहले गर्म किया, उसके बाद में हल्का ठंडा भी कर लिया। 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये देखिए तेल का टेम्परेचर कितना कम है। 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे साबुत धनिया है क्रश किया हुआ। एक कमेंट मेरे पास था कि साबुत धनिया अच्छा नहीं लगता मुँह में, तो क्या करें, तो क्रश करके डालें। अगर साबुत धनिया अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप रिमूव कर दीजिए इसको। 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, हल्की हल्की आँच पे इसको भुनने दीजिए यहाँ पे। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च क्रश की हुई, गैस की आंच बिल्कुल कम है अभी भी। 1/4 छोटी चम्मच हींग, हींग डालने के बाद में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हमने कसूरी मेथी भी डाल दी है, तेल में डाल दी है। तेल में डालने से ये इन्फ्यूज़ होती है और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अभी भी हमने गैस की फ्लेम कम की हुई है, यहाँ पे मसाले की खुशबू आपको आने लग जाएगी सभी मसालों की। तो यहीं पे डालेंगे हम हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च चॉप की हुई है, हल्का सा इसको भूनेंगे। 1/2 कप मटर, फ्रेश मटर है ये, सबसे पहले मटर को भूनेंगे बिना क्रश किए हुए। और ये देखिए मटर में हल्की सी सफ़ेदी आने लग जाएगी थोड़ी देर बाद में, लगभग 1-1.5 मिनट बाद में। और अब डालेंगे हम मसाले यहाँ पे, सूखे मसाले हैं 1/4 छोटी चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटी चम्मच कच्चा जीरा पाउडर। क्योंकि हमने यहाँ पे सूखे मसाले डाले हुए हैं तो गैस की आंच बिल्कुल कम रहनी चाहिए, और बहुत जल्दी मसाले जलने लग जाते हैं, और जब मसाले जल जाते हैं तो टेस्ट अच्छा आने के बजाय खराब हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे मसाले लगभग 1 मिनट भूनने के बाद में अब मैशर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्रश हो जाएंगे और सही ढंग से स्टफिंग हो जाएगी। और ये देखिए मटर किस तरह से मैश हो चुके हैं यहाँ पे, खिले खिले भी हैं और मैश भी हो गए, दोनों एक साथ हो गए, मतलब साबुत मटर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो क्या करना है, ये जो कटोरी होती है ना इसको इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काम चलाओ। ये गया थोड़ा सा नमक, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम गरम मसाला, अगर पसंद है तो जरूर डालें, और कम डालें।
और लास्ट में डालेंगे हम इसमें धनिया श्रद्धा अनुसार, और गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, और एक शानदार सी स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो गई। कभी भी कोई स्टफिंग तैयार करते हैं तो उसमें मिर्च मसाले थोड़े से ज़्यादा डालें, क्योंकि स्टफिंग करने के बाद में मिर्च मसाले कम लगने लग जाते हैं। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। अब बारी आती है स्टफिंग करने की। तो स्टफिंग करने से पहले इसमें देंगे डिज़ाइन, और डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेनर का, जिससे पूड़ियाँ निकालते हैं पकौड़े निकालते हैं हर घर में मिल जाता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करना है, इस तरह से दबाइए इसको ये, और फिर इसको घुमा दीजिए इस तरह से ये, और फिर निकाल दीजिए इसको, और अब देखिए आप ये बन गई इसमें डिज़ाइन। ठीक है, अब स्टफिंग कैसे होगी। स्टफिंग इस तरह से कप होल्डर बनाइए अपने हाथ को ही, और यहाँ पर रख लीजिए। अब नीचे की तरफ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही है, और यहाँ पे करते हैं स्टफिंग। और ये गई हमारी स्टफिंग इसके अंदर। स्टफिंग डालें, उसको दबाइए अच्छी तरह से। किनारियों पे स्टफिंग नहीं आनी चाहिए, जब हम इसको फोल्ड करें तो किनारियाँ आपस में चिपकनी चाहिए, बीच में मसाला नहीं आना चाहिए। यही तरीका होता है किसी भी स्टफिंग को करने का। ये देखिए, और ये देखिए लग रही ना शानदार वाली, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दिया मैंने, और इसके बाद में यहाँ पे इसको पैक कर दिया। पैक अच्छी तरह से करना है इसको। एक बात का ध्यान रखना है, डो का भी फर्क है। अगर आपका डो बिल्कुल ढीला होगा तो निशान इसके गायब हो जाएंगे। तो डो मीडियम साइज का रखना है, और नीचे की तरफ से भी हल्का सा आ जाए तो यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए इसको। नीचे की तरफ से इतने निशान नहीं आएंगे, हल्के फुल्के आएंगे, लेकिन निशान जो आएंगे ऊपर की तरफ से आएंगे, और दिखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सब सोचते रह जाएंगे बनाया कैसे इसको। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। एक बार फिर करके देखते हैं, पेड़ा लिया और जो झर होती है उसको इस तरह से दबाया ऐसे करके, पूरी ताकत नहीं लगानी है, हल्का फुल्का, उसके बाद में इस तरह से ये देखिए साइड में दबाना ऐसे करके, और ये बना। ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो डो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अब प्यार से उठाना है, और ऐसे करके ये बन गई शानदार वाली डिज़ाइन। ये देखिए, और अपने हाथ को कप होल्डर बनाना है, और यहाँ पे डालनी है स्टफिंग। स्टफिंग का वही सेम तरीका, डालनी है दबा के, लेकिन दबा दबा के, और किनारियों पे नहीं लाना है। अब इसकी करते हैं यहाँ पे पैकिंग। ये कर दिया पैक, जो भी एक्स्ट्रा डो दिख रहा है आपको वो निकाल दिया यहाँ पे। पैकिंग से ढंग से करनी है, पैकिंग करते टाइम कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पैकिंग खुल जाएगी तो तेल खराब हो जाएगा। और अब इसको रेडी हो चुके, इतने कम बबल्स आ रहे हैं, इतने ही कम बबल्स आने चाहिए। और जहाँ की तरफ डिज़ाइन ऊपर है तो डिज़ाइन को ऊपर ही रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है। गैस की फ्लेम को मैंने कम ही रखा है यहाँ पे, और इस तरह से फोक से या फिर चम्मच से या नाइफ से हल्का फुल्का साइड में करते रहिए इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे की तरफ से काले नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए फ्राई होने के बाद में इनके निशान जो हैं, जिसके डिज़ाइन है, और उभर के आ गई है। देखिए हलवाइयों के पास में तो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, तो वो नीचे लगता ही नहीं है, ऊपर ही तैरते रहते हैं, तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन घर पे बना रहे हैं तो इतनी बड़ी कढ़ाई थोड़ी रखेंगे हमको तो सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे कि अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और नीचे काला भी ना हो। लगभग 5-6 मिनट को फ्राई करने के बाद ये देखिए ऊपर की जो डिज़ाइन है वो स्टेबल हो गई है, अब कहीं नहीं बिगड़ने वाली है। तो अब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से घुमाते घुमाते ही इसको हमको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को धीरे धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग 12-13 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। ये कोई पकौड़े नहीं है कि जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि आटा है और आटे की बहुत मोटी लेयर है, इसलिए इसको फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और ये देखिए कलर, देखिए इसका कितना शानदार कलर आ चुका है। अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं गर्मा गर्म। तो ये गर्मा गर्म बाटी डिज़ाइन वाली ऐसा लग रहा है जैसे किसी सांचे में डाल के बनाया हो। अगर सांचे में डाल के बनाते हैं तो भी ऐसी नहीं बनती, उसके अंदर गैस भर जाती, हवा भर जाती। एक काट के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वाह बेहतरीन, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से जैसे बाटी बनती है ना सेम वैसी बनी है। और इसको खाया जाएगा चटनी के साथ में, और चटनी के साथ में इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बनी है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार।